सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल म्यांमार के पास में आपको हमेशा अभी हम फुमचिंग टाउन में वाह तो आज कहाँ घुमाओगे? मुझे सजेस्ट करना मेघालय मिजोरम त्रिपुरा में क्या क्या घूमने लायक जगह है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। कल गए थे हम लोंगवा, अभी हम फुमचिंग टाउन में। ये जो है गांव नहीं है, ये है टाउन, लाइक गांव की तरह दिखेगा लेकिन ये टाउन है। और ये रहा संगम जी का घर, यहाँ पे संगम जी गुड मॉर्निंग। तो आज कहाँ घुमाओगे आज हमें? आज यहाँ में फुमचिंग टाउन में ना, फुमचिंग टाउन में आप दोनों को लेकर थोड़ा घुमाएगा। और इधर अपने ब्रदर है, हेलो, जो हॉस्पिटल में मिले थे सुबह सुबह। इधर अपने विवेक ब्रदर। फुमचिंग टाउन है ये, बिल्कुल विलेज की तरह लग रहा है, बाकी टाउन की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा। टाइम के साथ डेवलप नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या क्या है सारा कुछ दिखाते हैं, चलो। अभी देखो रास्ते पे आ गए, बाकी रास्ते काफी ज्यादा खाली है। यहाँ पे देखो एक शॉप है, लाइक पूरा बैम्बू से बना हुआ, काफी छोटा सा शॉप है। तो ऐसे ही शॉप आपको यहाँ पे एक दो ही देखने को मिलेंगे, बाकी उस साइड एक बड़ा सा शॉप देखा था हमने। और यहाँ पे देखो वहाँ पे एक शॉप दिख रहा है छोटा सा, तो कुछ ऐसे ही बीच बीच में आपको शॉप देखने को मिलेंगे, बाकी कोई मार्केट वगैरह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये जो आधा घर है वो नीचे है और आधा घर जो है वो जमीन में, तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो इसको बोलते हैं मचान घर, और देखो वो जो आधा हिस्सा है वो पिलर्स में टिका हुआ है, लाइक पूरा कपड़ा स्लोपिंग है, और आधा जो है ये प्लेन एरिया में है। तो कुछ ऐसे ही है क्योंकि काफी मतलब ये पहाड़ी है पूरा का पूरा, देखो ऊपर से कुछ नीचे जा रहे हैं, इस पर खाई है नीचे, तो कुछ इस टाइप से बनाते हैं यहाँ पे घर। अभी हम जा रहे हैं विलेज के नीचे साइड में। यहाँ पे देखो अपने साथ में पूरा का पूरा गैंग जा रहा है हमें घुमाने के लिए। बाकी बहुत ज्यादा शांति है भाई यहाँ पे, और बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, शोर शराबा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल म्यांमार के पास में आपको 5G नेटवर्क मिलता है, 5G, तो नेट वगैरह काफी स्पीड है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारा कुछ है। लेकिन अभी दो दिन से यहाँ पे लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कल भी दिन भर नहीं था और आज तो लाइट है ही नहीं बिल्कुल। तो आज सुबह सुबह हम गए थे हॉस्पिटल, यहाँ पे देखो ये है हॉस्पिटल, और यहाँ पे लाइट नहीं है, तो अभी हम चार्ज करने आए थे। यहाँ पे देखो चार्जर वगैरह ले लिया है, और अपने संगनाम जी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक यूट्यूबर भाई मिल गए हैं। हेलो, आपके चैनल का नाम क्या है? अच्छा, 1K होने वाला है ना भाई का, 850 को सब्सक्राइबर हो गया, 1K जल्दी से करा देना। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। थीक है। और ये है देखो फुमचिंग का हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल है, बाकी ये जो फुमचिंग है ना ये टाउन है। और यहाँ पे देखो भैया जी सुबह सुबह आए थे चार्जिंग करने के लिए। चलो बाय बाय। हाँ, अभी फोन चार्ज करके अभी विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, लोंगवा है यहाँ से 12 किलोमीटर, कल हम गए थे उस साइड लोंगवा है, जहाँ से आपको पूरा पूरा म्यांमार का बॉर्डर दिख गया, और आप बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के म्यांमार में भी एंटर कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक स्कूल है देखने के लिए जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखा है कि भाई पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो, हेलो, आप लोग हॉस्टल में रहते हो, पानी का बहुत दिक्कत है ना, पानी लेने दूर जाना पड़ता है हमेशा, पानी लोबो करने दूर जाबो लगे किमान दूर से लोंगवा रोते हैं डेली हमेशा। ओके, यार पानी ना यहाँ से। ओहो ठीक है, बाय बाय। तो दो दिन से हम यहाँ पे, पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आई थिंक टाइम टेबल होगा। तो यहाँ पे जो ये बहन लोग मिली थी, ये लोग बोले कि रोड पे जाना पड़ता है इनको पानी लेने के लिए हमेशा, और कपड़ा वपड़ा अगर धोना हो तो रोड पे ही जाना पड़ता है। तो अभी स्कूल के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे पता चला है कि गर्ल्स के लिए फ्री है यहाँ पे ना। गर्ल्स के लिए फ्री है। अच्छा, हॉस्टल में लाइक गर्ल्स के लिए फ्री है, सभी लोग कपड़ा वगैरह धो रहे हैं जो भी अपना काम है कर रहे हैं, स्कूल बंद है आज। ओके, ये देखो हॉस्टल है, काफी मतलब बड़ा सा है। ये जो फुमचिंग है ये टाउन है, लेकिन आपको यहाँ पे विलेज वाला फील भी आएगा, और टाउन वाला फील तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि विलेज की तरह ही है पूरा का पूरा। अभी हम जिस स्कूल में है यहाँ पे क्लास 10 तक क्लासेस हैं, और इसके बाद अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना है तो नीचे जाना पड़ेगा आपका मोन, या फिर अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। बाकी काफ़ी अच्छा लगा, गर्ल्स के लिए हॉस्टल फ्री है, तो सरकार ने काफ़ी बढ़िया स्टेप लिया है गर्ल्स के लिए, जो भी रहना खाना पीना हॉस्टल का जो भी खर्चा होता है सारा कुछ फ्री है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फुमचिंग विलेज काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया, काफ़ी बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। अभी हम देखो निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो चलो बाय बाय। हाँ बाय बाय, आशीष रहना, जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय। मेरे को कांटेक्ट करना। ओके ओके, बिल्कुल
बाय बाय अनु तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मोन टाउन में और अभी जा रहे हैं हम पेट्रोल भराने। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिला है बिल्कुल मोन वेलकम गेट के सामने ही है। अभी यहाँ से पेट्रोल भरा के चलते हैं। और भाई इसका मीटर का मुझे सिस्टम समझ नहीं आया, कभी कभी ब्लिंक होने लगता है। और देखो अभी देखो ब्लिंक होने लग रहा है और अभी देखो ब्लिंक नहीं हो रहा है। भाई पता नहीं यार इसका क्या सिस्टम है। फुल कर दीजिए सर जी। हेलो किने का से अपने घर को दस फूल नहीं हो पाएगा भैया जी। मीटर नहीं नहीं चल रहा है क्या? ना लाइट नहीं है ना। ओहो ये कितने लीटर का है? दो लीटर की एक लीटर देखे तो देखो भाई अभी लाइट नहीं है तो अभी इससे नाप के डालना पड़ रहा है ऑफलाइन। वीडियो ना क्यों काम नहीं है? वीडियो नहीं बनाएगा क्यों? वीडियो करेगा मैं करेगा पंगा करेगा पंगा लड़ेगा। हाँ लड़ेगा। पापा को लेके आओ पहले जाओ लेके आओ। भाई देखो अभी दो दिन से यहाँ पे लाइट ही नहीं है, काफी दिक्कत हो रहा है। तो सर जी ने ये निकाल के रखा हुआ था गिलैन में तो अभी ऐसे ही डाल रहे हैं ऑफलाइन सिस्टम। तो मोन एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल गए हैं रास्ते पे और अब हम जा रहे हैं आसाम की ओर। काफी बढ़िया लगा मोन घूमकर और लोंगवा विलेज म्यांमार के पास घूमकर बहुत बढ़िया लगा और बाइक का परफॉर्मेंस भी भाई बहुत मस्त है, पेट्रोल वगैरह फुल करके। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से आसाम की ओर। आसाम से हम जाएंगे आई थिंक गुवाहाटी एंड कुछ सामान वगैरह भी लेना है वहाँ से और फिर हम चले जाएंगे मिजोरम मेघालय त्रिपुरा, ये तीन स्टेट करने वाले हैं। बने रहो जल्दी ही अपडेट करेंगे कि अब हम कहाँ जाएंगे, पहले मिजोरम या मेघालय। अभी लगभग हमें 130 किलोमीटर का राइड करके हमें पहले पहुँचना पड़ेगा आसाम और उसके बाद आई थिंक आज आसाम में रेस्ट होगा अपना और फिर हम कल निकल जाएंगे आगे की ओर। एवरीवन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए दिन से। लगभग तीन चार दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। नागालैंड से 270 किलोमीटर राइड करके मैं पहुँच गया था तेजू अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पे आया बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। बाइक वगैरह बढ़िया से धोया और बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था, लगभग अभी 2000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गुवाहाटी की ओर और अपना न्यू ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा मेघालय त्रिपुरा या मिजोरम। मेघालय त्रिपुरा या मिजोरम जिस स्टेट को ज़्यादा वोट मिलेगा ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं पहले उसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करूँगा और मुझे सजेस्ट करना मेघालय मिजोरम त्रिपुरा में क्या क्या घूमने लायक जगह हैं। तो देखो अभी मैं हूँ लोहित डिस्ट्रिक्ट में, हाईवे में हूँ और देखो यहाँ पे अपने बाइक को पार्क कर दिया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी देखने में काफ़ी फोटोज़ में काफ़ी छोटा लगता है देखने में लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत हाइट ज़्यादा है इसका, देख सकते हो मेरे लाइक डबल स्टैंड में और अभी मेरे लाइक चेस्ट तक पहुँचने वाला है। और मेरा जो हाइट है 5.8 है तो मेरे लिए काफ़ी ठीक ठाक, लेकिन 5.3 5.4 5.5 वाले लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है स्टैंड में उठाने के लिए, काफ़ी भारी है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर राइड करते हैं और अपना एक फ्रेंड है राहुल भाई, राहुल भाई को लेंगे तिनसुकिया से और हम निकल जाएंगे गुवाहाटी की ओर। मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन हम करेंगे बजट ट्रैवलिंग, खाने पीने का जो भी होगा खुद से करेंगे और रहने के लिए हम कैंपिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने लगाया है Insta360 लेकिन इसका अभी माइक नहीं है और बाइक का जो भी सेटअप है अभी इसका पीछे का जो बॉक्स वगैरह है ये भी लगाना बाकी है। देखते हैं अगर गुवाहाटी में अगर कम प्राइस में मिलता है तो इसका बॉक्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे और कितना प्राइस लगा वो भी आपको बताएंगे। फाइनली आप पहुंच चुका हूँ माकुम में। अपने ट्रेवलर विवेक भाई बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं यार, काफ़ी रुका दिया भाई को मैंने। देखते हैं भाई कहाँ पे अभी। वैसे काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है यहाँ पे। रिएक्शन देखते हैं अपने भाई का, यार काफ़ी गुस्सा होगा, फ़ोन कर रहा है। हेलो पागल कर दिया था यार, सॉरी यार घंटा वेट किया।
भाई इतना हीट हो रहा था यार, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। बोलना चाहिए ना, हम कितना भी हेलो करो। हेलो, बहुत झूठ बोलता है भाई, बहुत झूठ बोलता है यार। 4 घंटा रुका दिया मुझे, कितना बजे लिखा सही बोलिए तो। 8 बजे निकल गया था यार, देखो 11 बजे पैदल आने से पहुंच जाता है आदमी यहाँ पे भाई, 130 किलोमीटर ज़्यादा है। चलिए आप चलाओ अभी। तो फाइनली तिनसुकिया में पहुंच चुका हूं और अपने विवेक ब्रदर भी मिल चुके हैं। एक्सप्रेशन काफी खतरनाक था भाई, बहुत गुस्सा हो गया था। देखो अभी बाइक का यहां पे चेन टाइट कर रहे हैं। अभी यहां पे स्प्रे लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहां पे चेन सूखा हुआ है, तो स्प्रे लगाएंगे और फिर चलेंगे डायरेक्ट 200 किलोमीटर्स। निकाल गया भाई, यहाँ देखो ट्रेन भी आ गई है। अब राइडिंग करेंगे अपने विवेक ब्रदर। बहुत गुस्सा लगा क्या? बहुत गुस्सा लगा, गुस्सा कितना लगा कि बता नहीं सक रहे। तो चलो आप चलते हैं, अब ब्रदर राइड करेंगे। अब आ चुके हैं पेट्रोल पंप में, फुल कर दीजिए चाचा जी। कौन सा बढ़िया होता है? माइलेज किसमें मिलता है? जी महंगा है वो। कोको कोला लाइट, कोको कोला नॉर्मल वाला सिस्टम है यहाँ पे। एक्सपी पेट्रोल है, मैंने भरा के देखा था भाई, माइलेज वाइलेज कुछ नहीं देता, सेम ही रहता है। अभी पेट्रोल यहाँ पे 1 स्टिक था, अभी यहाँ पे फुल कराएंगे फिर चलेंगे, देखते कितना लीटर घुसता है। बाकी इसका टैंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 70 लीटर का टैंक है ना, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल घुस जाता है, 3 लीटर, देखते हैं कितना घुसता है। विवेक भाई कितना घुसेगा लग रहा है? 30 लीटर। अरे भाई 10 लीटर, देखा मैंने बोला था ना 7 लीटर जैसा है। फुल हो गया ना टोटल, घुस गया पेट्रोल यहाँ पे 11 लीटर, 11.69, 1150 रुपये। पैसा पे कर दो भाई साहब। सुबह में निकला था 8 बजे और अभी टाइम हो चुका है 2, और अभी हमें रास्ते में देखो ये हाईवे है, और ये जो हाईवे ये जाता है गुवाहाटी की ओर। देखो बाइक हमने यहाँ पे छांव में खड़ा कर दिया है, काफी ज्यादा हीट हो गया था, और यहाँ देखो इसका कलर जो है ना ये भी चेंज होने लग रहा है अब। तो बाइक यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने के लिए खड़ा कर दिया है। बाकी यहाँ पे एक दुकान है, तो थोड़ा पानी वानी हमने यहाँ पे पिया, और अभी बाइक को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे की ओर। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं मेघालय की ओर। मेघालय यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन आज हम पूरा राइड करेंगे और राइड करके देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। टारगेट तो है कि हम गुवाहाटी तक पहुँच जाए, लेकिन नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं और गुवाहाटी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अभी तो अब यहाँ पे मिलो अपने विवेक ब्रदर से। स्टार्टिंग में तो बहुत गुस्सा होके मिले थे भाई, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था मैं। तो अब विवेक भाई का मूड काफी बढ़िया हो चुका है, और अब हम लगभग 70 किलोमीटर राइड करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बाइक का इंजन भी काफी गर्म हो गया था, और विवेक भाई का 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस यार। और प्यार ऐसे देते रहना, 100 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं, और जल्दी जल्दी भाई का 1000 करवाओ। टेक क्या हुआ, जाके सब्सक्राइब करो अपने ब्रदर को, 1K करा दो यार। अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और अब फाइनली हम निकल रहे हैं। इंजन भी पूरा का पूरा ठंडा हो चुका है। देखो राहुल भाई के पास क्या है, सिक्किम से लेके आए हैं, अभी इसको बाइक में लगा रहे हैं। वाह काफी बढ़िया दिखेगा, चलो ऐसा, ये उल्टा नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा आगे से थोड़ा मंत्र मंत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, ओम मणि पद्मे हुम। अभी काफ़ी दूर राइड करके आ चुके हैं, अभी राइड कर रहे थे अपने विवेक ब्रदर, अभी राइडर एक्सचेंज कर रहे हैं। 2 आदमी का ये फायदा रहता है कि लाइक राइडर एक्सचेंज करके हम चला सकते हैं।
लगातार लोग अकेले राइड करने से काफी दिक्कत हो सकता है, तो अभी एक्सचेंज कर करके चलाएंगे। विवेक ब्रदर पीछे बैठेंगे। जोरहाट यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर काम होने से पहले हम पहुंचते हैं जोरहाट। अभी लगभग 3 बज चुके हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिव सागर में। यह है शिव सागर डिस्ट्रिक्ट और आते आते चेहरे पे पूरा कपड़ा धूल जम चुका है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ खा पी के चलते है भाई, काफी भूख लग गया है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया पराठा वगैरह, पराठा खाते फिर चलते हैं यहाँ से। सुबह में निकला था 8 बजे, ब्रेकफास्ट किया था और लंच हुआ नहीं भाई आज सीधा। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे पराठा। तो लगभग 300 किलोमीटर राइड करके अभी हम पहुंच चुके हैं जोरहाट में और अभी मैं हूँ अपने बड़े भैया के घर में। मेरे जो बड़े भैया हैं रियल भैया, वो जोरहाट आसाम में रहते हैं और ये उनका इंस्टीट्यूट है। तो आज हम स्टे करने वाले हैं यहीं पे जोरहाट में और कल हम निकलेंगे मेघालय की ओर। कल हम जाएंगे गुवाहाटी और वहाँ से कुछ बाइक में इंस्टॉल करेंगे, कुछ बाइक में कुछ एसेसरीज वगैरह इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं क्या क्या हो पाता है और फिर हम कल निकल जाएंगे मेघालय की ओर। बाकी आज का जो सफ़र था आपने तो देखा ही है कैसा है, बहुत लाइक रास्ते में बहुत धूल मिट्टी होकर के बहुत हालत ख़राब हो गया था और बाइकर्स के लिए जो रिस्पेक्ट था ना और भी बढ़ गया भाई, सैल्यूट है यार बाइकर्स को। और नागालैंड से मैं डायरेक्ट वापस इसलिए आया था क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा था तो फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मन था मुझे भी और फैमिली को भी, तो इसलिए हम नागालैंड से डायरेक्ट वापस आ गए मोन से। और नागालैंड में मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा हॉर्नबिल के टाइम में और हॉर्नबिल के टाइम पे काफ़ी सारे जगह एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो इस वीडियो करते हैं यहाँ पे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।